तो आज इस विषय पे बात करनी है कुशलवीर सिंह जी से कि इस टाइम जो है गन्ने के अंदर कीटनाशक लगाने का फायदा है या बिना वजह जो किसान बहम में ही इतनी दवाई ने जो है खेत के अंदर बखेरिया सामने। कुशलवीर राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भैया आज की जो वीडियो है वो इस विषय पे है कि हमारे जो किसान भाई हैं इस टाइम भी जो है खेत में कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, कोई टैंकर से स्प्रे कर रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। तो आज इस विषय पे बात करनी है कुशलवीर सिंह जी से कि इस टाइम जो है गन्ने के अंदर कीटनाशक लगाने का फायदा है या बिना वजह जो किसान बहम में ही इतनी दवाई ने जो है खेत के अंदर बखेरिया सामने। कुशलवीर सिंह जी हैं, एक बार उनसे परिचय करवाएंगे और अपने किसान भाई हैं उनसे परिचय करवाएंगे। अच्छा राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली सुअर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। जैसा आपका सवाल है कि किसान स्प्रे लगा रहे हैं, मेरे पास भी किसानों के सवाल आते रहते हैं कि साहब हमने 15 स्प्रे लगा दिए, हमने 20 लगा दिए। स्प्रे की गिनती से ना तो फसल अच्छी हो सकती, ना ठीक हो सकती और ना ही बहुत ज़्यादा उत्पादन हो सकता है। जिस चीज़ की जब ज़रूरत है उसका प्रयोग करना चाहिए, स्प्रे की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे करना चाहिए, बिना मतलब के स्प्रे नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी मैं जानकारी दे दूँ, इस बार गन्ने की जड़ में रूट बोरर लगा है, रूट बोरर की वजह से गन्ने में विल्ट उखठा रोग लगा है जिससे गन्ने की पत्तियाँ पीली पड़ने लगी। उसमें अलग अलग लोगों ने अपने विचार दिए हैं, कोई उसे वायरल डिजीज बता रहा है, कोई उसमें बैक्टीरियोसाइड लगा रहा है, कोई फंजीसाइड लगा रहा है, कोई इंसेक्टिसाइड लगा रहा है, कोई ग्रोथ प्रमोटर लगा रहा है। इस तरह से किसान एक दो चीज मिला के एक बार में डालता है तो 3-4 स्प्रे एक साथ में ही हफ्ते भर के अंदर तक किए हैं। और मेरे पास कुछ किसानों के फोन ये भी आया कि 15-16 स्प्रे कर दिया साहब गन्ना पीला पड़ रहा। गन्ना पीला पड़ने के पीछे कुछ कारण है कि रोग कहाँ है, कहाँ समस्या है, उस समस्या का निस्तारण किया जाए तो ज्यादा स्प्रे की जरूरत नहीं। हो सकता है बिना स्प्रे के भी दवाई जड़ में लगाने से भी वो समस्या ठीक हो सकती है। तो ये विल्ट रोग जो आया है और रूट बोरर आया है, इसके लिए हमने सभी किसानों को रिकमेंडेशन दी है कि जब आप खेत में पानी लगाए सिंचाई के साथ मुहाले पे 1 लीटर क्लोरोपाइरीफास 50% और 800 ग्राम से 1 किलो कार्बेंडाजिम को पानी में घोल बना के 30-40 लीटर पानी में घोल बना के एक ड्रम के अंदर भर दे और उसकी टोंटी खोल दे मुहाले के साथ साथ सिंचाई के साथ छोड़ दे तो ये दोनों समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। इसके साथ दूसरी समस्या जो आज के टाइम में दिखाई दे रही है किसानों को गन्ने की फसल में, फसल काफी बड़ी हो चुकी है, एक समस्या जिसे जो पायरीला है, जिसका पूरा नाम पायरीला परपुशीला होता है, किसान अपनी स्थानीय भाषा में से फिड़का भी कहते हैं। फिड़का के ये अंडे दिखाई दे रहे हैं साफ, इसमें फूंक मारने पे ये साफ अंडे दिखाई दे जाते हैं, ये पायरीला कीट के अंडे हैं। और पायरीला कीट का यदि प्राकृतिक शत्रु, इस कीट का कुदरत ने एक प्राकृतिक शत्रु जन्मा है जिसका नाम है एप्रिकेनिया मेलेनोलुका, एप्रिकेनिया के नाम से जाना जाता है। उसकी ये पहचान है कि पत्ती की निचली सतह पर यह सफेद रंग का ककून दिखाई देता है, कभी कभी इस ककून के अंदर से एक कीट निकल के अंडे देता, बहुत बारीक बारीक अंडे होते हैं। तो ये निम्फ और एडल्ट पैरासाइट होता है। ये जो इसके पायरीला का निम्फ है और एडल्ट है उसको मार देता है और बड़ी फसल में जो स्प्रे से कीट की संख्या नियंत्रित करना संभव नहीं है वो इसी के द्वारा संभव है कि इस तरह से ये हो जाता है। एक इसका एग पैरासाइट भी होता है, जो अंडे होते हैं वो काले हो जाते हैं और उनसे बच्चे या निम्फ नहीं निकलता। तो इस तरह से पायरीला का कंट्रोल नेचर ने, कुदरत ने हमारे साथ बिना खर्चे के, बिना मेहनत के भेजा है, जिसे ये एप्रिकेनिया कहते हैं। यदि ये खेत में है तो पायरीला को कंट्रोल करने के लिए आप कोई भी दवाई का प्रयोग न करें। ये पायरीला के लाइव एग्जाम्पल है, ये भी पायरीला है, एक इस हाथ में मेरे पायरीला के अंडे है और इस हाथ में पायरीला का पैरासाइट है। दूसरी एक समस्या सबसे विचित्र जो दिखाई दे रही है ये है पोखा बोइंग रोग।
पोखा बाइंग रोग क्या होता है, जब वातावरण में नमी होती है और टेम्परेचर अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में ये पोखा बाइंग रोग बढ़ता है। जैसे ये गन्ना है, इसमें कई बार पोखा बाइंग लगा है और चला है, यहां से पोखा बाइंग लगना शुरू हुआ था और फिर ये चलना शुरू हुआ, लेकिन गन्ना बहुत बारीक हो जाता है। और ये पायरीला है, वो सॉरी ये पोखा बोइंग है, ये पोखा बोइंग में भी क्या होता है कि गन्ने की पत्तियां गल के टूट जाती है और गन्ना नुकीला भाले नुमा हो जाता है। इसकी रोकथाम करने के लिए हमने पहले से ही बताया था कि 700 से 800 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को आप 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करते हैं तो पोखा बोइंग रोग से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। और एक मुख्य समस्या जो टॉप बोरर की है, टॉप बोरर की समस्या आज भी खेतों में और खासकर 38 गन्ने में वो फिलहाल दिखाई दे रही है। जैसे गन्ना नीचे से बिल्कुल साफ है और अभी ये इसकी ये मान के चलिए कि चौथी पीढ़ी की जो सूंडी है वो अभी भी गन्ने की गोब में, कह लीजिए गोब में बैठी हुई है, जिससे पूरी स्वस्थ है ये तो तो ये इस तरह की समस्या आ रही है। अब मैं एक छोटा सा जानकारी किसानों को संक्षिप्त शब्दों में देना चाहता हूं कि आज 28 सितंबर है और ओटम प्लांटिंग शरदकालीन बुआई का, असोजी गन्ने की बुआई का बहुत अच्छा समय चल रहा है। मौसम भी अब खुला हुआ है, किसान भाई खेत तैयार करे, धान की कटाई शुरू हो गई है, ज्वार चारे वाली फसलें भी लगभग खाली होने की कगार पे है खेत, खेतों की तैयारी करें, खेतों में गोबर की खाद मिलाए और रोग रोधी किस्मों की बुआई करें। रोग रोधी किस्मों में आज के टाइम में को 15023, को लख 14201, कोसा 13235, को 118, कोसा 17231, कोसा 18231, कोलक 16202, ये वैरायटियां, इनमें से किसी भी वैरायटी का, किसी भी किस्म का किसान को बीज मिले तो उसकी बुआई करे। अब कुछ किसान कहते हैं कि साहब ये तो जो वैरायटी आपने बताई है ये तो बीमार हो जाती, ये हो जाती है, नहीं, इनकी भी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा आपको जो ये बीमार ना हो। बुआई के टाइम आप बीज को फफूंदी नाशक दवाई के घोल में उपचारित करके बोए, जैसे थायोफेनेट मिथाइल, एक तीन दवाइयों का कॉम्बिनेशन आता, थायोफेनेट मिथाइल, एजोक्सिस्ट्रोबिन और थायोमेथोक्सोम, इन तीनों दवाइयों का भी कॉम्बिनेशन आता है। इस तरह से इंसेक्टिसाइड और दो फंजीसाइड का जहां भी कॉम्बिनेशन मिले उस घोल में आप बीज को डीप करके बोए। बुआई के समय खेत में कीटनाशक दवाई से भूमि उपचार जरूर करें। भूमि उपचार में इमिडा क्लोरपीरिट भी ले सकते हैं 250 ml, उससे पेंडों के ऊपर ड्रेंचिंग कर दे। 400 ml आप टालिस्टार ले सकते हैं, 1 L आप क्लोरोपाइरीफास 50% वाली ले सकते हैं। इनका आप पेंडों के ऊपर ड्रेंचिंग कर देंगे तो ये समझो कि गन्ने में जो भूमिगत कीट है उनसे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं और आने वाली कोई समस्या ऐसी पैदा नहीं होगी। साथ ही साथ ध्यान रखें, जब खेत की हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी से मतलब है तैयार कर लिया और खेत आखिरी जुताई कर रहे हैं, तो आखिरी जुताई के टाइम पर, आखिरी जुताई से पहले हम ट्राइकोडर्मा पाउडर की 5 kg मात्रा प्रति हेक्टेयर या 2 kg मात्रा प्रति एकड़ की दर से गोबर की सड़ी खाद में मिलाकर खेत में समान रूप से बिखेर कर मिट्टी में मिला दे तो गन्ने में होने वाली रोगों से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। और बुआई के टाइम पेंडों पर नालियों में ड्रेंचिंग करने से हम जो भूमिगत कीटों से भी अपनी फसल को बचा सकते हैं। और बुआई के समय पे आप संतुलित मात्रा में फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, 70 kg DAP प्रति एकड़ और 50 kg MOP म्यूरेट ऑफ पोटास दोनों को मिला के प्रति एकड़ की दर से हम प्रयोग करें, या आप 2 bag NPK 12-32-16 इसका आप प्रति एकड़ की दर से बुआई में प्रयोग करें। तो ये एक जानकारी आपको ओटम प्लांटिंग के संबंध में मुझे देनी थी, और आपका कोई सवाल या पिछले कोई कमेंट हो तो बता सकते हैं। कुछ किसान जो है वे कमेंट में जो है इस चीज़ ने ज़्यादा पूछ रहे हैं कि क्या इस समय भी जो है कीटनाशक का प्रयोग करना जरूरी है या नहीं।
हाँ ऐसा है, जो कोई कीट होगा और वो दवाई से ही नष्ट हो सकता है तो प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से आज की डेट में पायरीला को छोड़कर कोई ऐसा कीट गन्ने की फसल में नहीं है जिसके लिए हमें कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए जी। कीटनाशक ये पायरीला के बारे में मैंने बता दिया कि इसका नेचुरल इनेमी या नेचुरल पैरासाइट खेतों में वर्तमान समय में मौजूद है, इसके लिए आपको अलग से दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भैया आज की जो वीडियो ही जो गांव अतराड़ा के अंदर ही यहाँ पे किसान है उनके ही खेत पर है, बहुत अच्छी मतलब 38 की वैरायटी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से गन्ना कर रखा किसान ने। ये बोल रहा है कि इसमें किसी तरीके कोई खास लागत नहीं है और गन्ने के देख लो एक बार कितना ज़बरदस्त कर रखा, बस थोड़ा पायरीला वगैरह लगा हुआ गन्ने के अंदर। और किसान से ही पूछेंगे। अच्छा राम राम जी। राम राम जी, अपना एक परिचय करो अभी। मेरा नाम प्रदीप त्यागी, ग्राम अतराड़ा, जिला मेरठ जी। तो जैसे कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी है तो जो है जानकारी सही लगी? हाँ, इनकी जानकारी हमें बहुत बढ़िया लगी। हमारे वीडियो में उसे कब से देख रहे हो? हम काफी दिन से देख रहे हैं जी आपकी वीडियो। तो जैसे वीडियो देखी है तो फायदा मिला कुछ? हाँ, उन पे बहुत सारी जानकारी हमें ऐसी मिलती है जो हम अपने यहाँ भी उनको अपनाते हैं और उनका वो करते हैं। कौन कौन सा गन्ना वो रखा तुमने? हमारे पास 38 है और 13235 है। 13235 है। गन्ना स्वस्थ है जी? हाँ जी, गन्ना स्वस्थ है। तो जैसे कुशलवीर सिंह जानकारी दे में है तो कुछ ऐसा तो ना लगता गलत जानकारी दे रहे हैं? गलत जानकारी कुछ नहीं देते जी। बढ़िया लगा जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया जानकारी लगती है इनकी, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। परिचय दो जी। मेरा नाम धनेश चंद त्यागी, ग्राम अतराड़ा, जिला मेरठ का रहने वाला हूँ जी। जैसे वीडियो अभी जो जानकारी दी है कुशलवीर सिंह जी ने तो जी, जानकारी ठीक लगी? जानकारी बढ़िया लगी जी। जैसे और भी किसान है भाई, वो कुछ जो है दुकानदार भी हैं, वो जो ये बात कह में है कि जो है हम दवाई का वो बहुत बता मैं, ज्यादा दवाई बता मैं, तो दवाई कुछ ज्यादा बताई कुछ इसमें? नहीं, जो सीमित दवाई है वही तो बताई जा रही है, कुछ दिक्कत तो ना लगी वीडियो में? पड़ा के अंदर वीडियो ही, और यहाँ पे जो है कुशलवीर सिंह जी आए हुए हैं, उनसे वीडियो शूट कराई है। नॉर्मल से दो टॉपिक है, एक तो जो है गन्ने के पीछे जो है पत्ती पे जो है फिड़का टाइप जो पायरीला है वो लगा हुआ, उसके बारे में जानकारी, और एक इस टाइम पे जो है मतलब कुछ किसान जो है जबरदस्ती जो कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं दवा के, अब भी जबकि इस समय जो है कीटनाशक का प्रयोग करना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, अगर लगे जरूरी है तो करो, बिना वजह जो है दवाई पे पैसा खर्च मत करो। तो भैया वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम भाई।